देश के पूर्व प्रधानमंत्री व जननायक स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद द्वारा एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन शनिवार को दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज के सभागार में किया गया। इस अवसर पर जौनपुर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर यूपी सिंह, दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज के प्राचार्य शैलेंद्र प्रताप सिंह, कॉलेज के शिक्षक भगवान सिंह, प्रोफेसर सुमित्रा सिंह सहित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से जुड़े कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। इस मौके पर उपस्थित शिक्षकों ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर वक्ताओं ने स्वर्गीय वाजपेयी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी आज भले ही हम लोगों के बीच नहीं है, लेकिन उनके संघर्ष और उनकी रचनाएं सदैव हम सबके बीच जीवित रहेंगी। वाजपेयी जी ने अपने जीवन में कुछ एक दो चीजें जोड़ने का काम नहीं किया, लोगों को जोड़ने का कार्यक्रम आधार को चलाना, राजनीतिक दलों को जोड़ने की और उन महान लोगों के बताए रास्ते पर चलना वाजपेयी ने आजीवन जोड़ने का ही काम किया। उपस्थित है एक शोक सभा को सम्मिलित केवल श्रद्धांजलि में अपने शब्दों को उपस्थित कर लेंगे। ये ऐसे महान व्यक्तित्व और व्यक्ति का स्थान है जो खाली हो गया है और इसको भर पाना किसी के भी वश में नहीं है, क्योंकि कुछ लोग कलाजयी होते हैं। वाजपेयी जी की लोकप्रियता की वजह और कलाजयी होने की वजह उनकी प्रगतिशीलता है। तो पूरे परिवार की तरफ से सभी को सादर प्रणाम नमस्कार। राजनीति क्षेत्र में एक ऐसे व्यक्तित्व को खो दिए हैं जिसकी भरपाई करना बहुत ही मुश्किल है। बस हम दो लाइनों से समझ सकते हैं, अटल जी जब राजनीति क्षेत्र में आए तो पार्टी अस्तित्व के लिए संघर्षरत थी और जब वह अपना शरीर छोड़ के गए तो इस समय उनके पार्टी के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, 22 राज्यों के मुख्यमंत्री और 30 राज्यपाल पार्टी के अपने हैं। सरकार भी सारा देश थम गया है, रुक गया है, शब्द हो गया है। एक ऐसे महामानव, एक ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी, एक डेमोक्रेट, एक बुद्धिजीवी, पत्रकार, एक कवि, जैसे एकाएक वाजपेयी को चला गया और एक शून्यता का अनुभव करने लगे। ये शून्यता आज भी हम लोग खुद से महसूस कर रहे हैं। वाजपेयी जी के जीवन के अनेक पहलू कुछ मैंने गिनाया, फिर एक राजनीति के थे, राजनेता थे, कवि थे, पत्रकार थे, बुद्धिजीवी थे और उसके साथ साथ एक महामानव थे। बहुत से लोग राजनीति के यहाँ हैं और रहेंगे, आगे भी रहेंगे, पूर्व में भी थे, इसलिए सबको जाना पड़ता है। लोग जो याददाश्त या जो कुछ अपने कार्यों के द्वारा जो एक मार्गदर्शन जो लोग करके जाते हैं वही लोग याद करते राजनीति के बारे में मुझे एक पूर्व राष्ट्रपति का एक उदाहरण याद आ रहा है। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने एक अवसर पर कहा था कि स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स इन एजुकेशन राजनीति में बहुत शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा में बहुत ज़्यादा राजनीति देखने को मिलती है। लगभग आज से 400 वर्ष पहले की उनका प्रवचन है, लेकिन राजनीति में शैक्षिक मूल्यों को देखने का बहुत कम ऑप्शन है। टू लिटिल एजुकेशन इन पॉलिटिक्स, वाजपेयी जी एक ऐसी शख्सियत थे जो राजनीति में शैक्षिक मूल्यों को उन्होंने वहाँ पर स्थापित किया, शैक्षिक मूल्यों को उन्होंने स्थापित किया। एक किसी भी वर्ग संप्रदाय पंथ से ऊपर उठ करके उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की जो शायद वही व्यवस्था ऐसी है जो डेमोक्रेसी को आगे बढ़ा सकती। उनका था सोशलिज्म की बारे में स्वेच्छनीय एक राष्ट्रपति के रूप में गए लोग
वर्ष एक गुरु वर्षों का पूर्ण स्मरण के रूप में उत्तराखंड भाई प्रतिनिधि पॉलिटिशियन और स्टेट्समैन का उन्होंने अंतर बताया कि एक पॉलिटिशियन कौन है और स्टेट्समैन कौन है। उनका पॉलिटिशियन रहा है जिसकी दृष्टि अगले चुनाव पर रही है, वो पॉलिटिशियन और स्टेट्समैन रहा है जिसकी दृष्टि राष्ट्र के उत्थान राष्ट्र को आगे ले जाने पर, राष्ट्र को अपनी पराकाष्ठा पर ले जाने के लिए दृष्टि रखी है वो स्टेट्समैन है। वाजपेयी जी इस बारे में शुद्ध एक स्टेट्समैन थे, हमेशा राष्ट्र शुद्ध थे। उन्होंने जोड़ा थोड़ा नहीं तो करके जोड़ तोड़ तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने कोई जोड़ने की तैयारी कभी उन्होंने तोड़ने की तैयारी नहीं की।